जेजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में फरीदाबाद पहुंचे जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी टिकट के लिए भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा और केसी वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी। इसी तरह उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले 75 पार का नारा दिया लेकिन 40 सीटों में सिमट कर रह गए। अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी की बात कही लेकिन 240 तक ही सिमट कर रह गए। वहीं इस मौके पर अजय चौटाला ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी निशाने पर लिया। प्रजातंत्र में ये काम जनता का है, फैसला उन्होंने लेना है। हमारा काम है पार्टी की नीति प्रोग्राम कार्यक्रम लोगों के बीच में लेकर के जाएं, सरकार की बेकायदगियों को लोगों के बीच में बताएं, दूसरे राजनीतिक विरोधी जो कर्म कर रहे हैं उनसे लोगों को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। हम उस काम में लगे हुए हैं। आज आपने जो मायूस कार्यकर्ता उनमें ऊर्जा भरने का काम किया है, क्या कहेंगे इसका? मैंने कहा ना कि हमारा काम तो अपनी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम जन जन तक पहुँचाना है। फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। थोड़े समय पहले कुछ लोग कहते थे 75 पार रह गए, 40 पे गए यमुना पार। कुछ लोग पहले छाती पे हाथ मार मार के कहते थे ये मोदी की गारंटी है 400 पार। वो 400 पार वाले गए 240 से भी नीचे। कल परसों भूपेंद्र हुड्डा का बयान पढ़ रहा था अखबार में कि हम 60 सीटें लेकर के चुनाव जीतेंगे। किस हैसियत से वो कहते हैं मेरी समझ से दूर की बात। उनको तो अपनी टिकट का भरोसा भी नहीं, वो टिकट भी उनको पार्टी हाईकमान से मांग करके लानी है। कहीं सोनिया गांधी जी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी जी के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कहीं प्रियंका जी की चुनी उठानी पड़ेगी और कहीं वेणुगोपाल के चप्पल उठाने पड़ेंगे, तब जाकर के कोई टिकट का जुगाड़ होगा। 60 के सपने कहां ले रहे हैं। फरीदाबाद में जेजेपी के काफी कार्यकर्ता पार्टी का छोड़ के जा चुके हैं, इसके ऊपर आप? ये सिलसिला यूं ही चलता है। राजनीतिक दलों में लोग आते हैं जाते हैं। आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। हमारे साथ एक बड़े नेता होते थे प्रोफेसर संपत सिंह, आपने पूरे चुनाव में कभी नाम पढ़ा क्या उनका? थोड़े दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, कहीं नाम पढ़ते हो क्या उनका? आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए जेजेपी चुनावी मैदान में उतर गई है और कार्यकर्ता सम्मेलन करके कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।